नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आइए डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। विधानसभा चुनाव में भी मिलेगी बड़ी जीत, 1 लाख मतों से जिताएंगे गडकरी, युति को भारी बहुमत, कांग्रेस ने आशीष पर खेला दाव। अब खबरें विस्तार से। नागपुर राज्य विधानसभा चुनावी समर का आगाज हो चुका है। 21 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में अब केवल 2 हफ्तों का समय शेष रह गया है। ऐसे में राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन विदर्भ में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत सभी दलों के प्रत्याशियों ने अपनी अपनी ताकत दिखाते हुए कार्यकर्ताओं की भारी भरकम फौज के साथ नामांकन दाखिल किया। नागपुर में लगभग सभी दलों के प्रत्याशियों ने संविधान चौक से रैली की शुरुआत की। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपना पर्चा दाखिल करने के बाद रैली को संबोधित करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव की तरह ही विधानसभा चुनाव में भी हम बड़ी जीत हासिल करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि मुख्यमंत्री फडणवीस को 1 लाख मतों से चुनकर लाया जाएगा। उन्होंने सीएम से कहा कि वे राज्य के अन्य क्षेत्रों पर ध्यान दें, यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। उन्होंने उपस्थितों से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में युति के प्रत्याशियों को जीत दिलाएं। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल व अन्य नेता बड़ी संख्या में मौजूद थे। सीएम ने कहा कि इससे पहले जितने मतों से युति चुनकर आई उससे भी अधिक मतों से इस बार हम सत्ता में आएंगे। उन्होंने युति को भारी बहुमत मिलने का भी विश्वास जताया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से युति धर्म का पालन करते हुए पूरी ताकत के साथ प्रचार में जुटने की अपील भी की। लग रहा था कि इस बार मुख्यमंत्री के खिलाफ कांग्रेस वॉक ओवर देंगी, मगर अंत में कांग्रेस ने पृथक विदर्भ के मुद्दे को लेकर भाजपा से बगावत कर आए आशीष पर दाव खेलते हुए उसे अपना उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतारा है। पिछले चुनाव में प्रफुल्ल गुडघे पाटिल कांग्रेस से सीएम के खिलाफ उतरे थे। हालांकि नागपुर में तेजी से हो रहे कामों को भाजपा चुनाव प्रचार के दौरान जरूर गिराएंगी। वही विपक्ष शहर के अन्य मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष के खिलाफ वोट मांगने का काम करेंगे। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उस पर खबरें भी देख सकते हैं। लिंक हाइक ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।